इतिहास वो नहीं रचते जो अपने मजबूरियों का रोना रोते हैं, इतिहास वो रचते हैं जो हौसलों के दम पर जीते हैं। इसीलिए मैं हमेशा अपने बच्चों से कहा करती हूँ कि कामयाबी की नहीं, ना कामयाबी की कहानियाँ सुनो, पहुँच चुके हैं जो शिखर पर उनके सफ़र की दास्तानें सुनो। और मैं आपको आज इसी प्रकार की दास्तान पर लिखे हुए एक नाटक, हानुष, भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया नाटक है हानुष, उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। वस्तुतः तो मैं हानुष जो नाटक है उस पर 3-4 वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको हानुष जो नाटक है इसकी पृष्ठभूमि, इसका संक्षिप्त परिचय दूंगी। उसके साथ ही मैं हानुष नाटक के जो विभिन्न पात्र हैं उनसे आपका परिचय कराऊंगी। हानुष नाटक में जो शब्दावली है वो आपको समझाऊंगी, और उसके बाद इस नाटक का सारांश, जो इसके अंक हैं और जो दृश्य हैं क्रमवार, उसका सारांश मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको इस नाटक के बारे में थोड़ी जानकारी हो जाए कि आखिर कहानी क्या है, कथा क्या है, क्या घटनाएं हैं, क्या समस्याएं हैं। ये सब चीज़ें जब आपको समझ में आ जाएंगी ना, तो फिर आपको आगे की बातें समझ में आएंगी। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इस नाटक की मूल संवेदना, इस नाटक की प्रासंगिकता वर्तमान समय में, इस नाटक का जो उद्देश्य है, इस नाटक की जो रंगमंचीयता की सफलता है, और इस नाटक के जो नाटक के तत्व हैं उनके आधार पर समीक्षा पर वीडियो बनाऊंगी। तो आज हम शुरू करेंगे, इस नाटक का सारांश आपको बताएंगे। ये जो नाटक का सारांश है, पृष्ठभूमि और संक्षिप्त परिचय मैं बताऊं, उसके पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगी कि जब मैं इस नाटक को पढ़ रही थी तो मुझे बार बार कुछ मूवीज़ याद आ रही थी। मैं आपको बता दूँ, मैं थोड़े मूवी, मतलब अच्छी मूवी देखने की शौकीन हूँ, तो मुझे कुछ मूवीज़ याद आ रही थी, और मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप भी उन मूवीज़ को देखिए तो कोरिलेट कर पाएंगे अपने इस नाटक को, समझ पाएंगे कि मतलब भीष्म साहनी की जो सृजनशीलता है, जो उनकी रचना धर्मिता है, जो इस नाटक को लिखने का उनका उद्देश्य है, वो आपके सामने सफल, मतलब स्पष्ट हो जाएगा। मैं जब इस नाटक को पढ़ रही थी तो मुझे सबसे पहले याद आई हाल ही में एक देखी हुई मूवी रॉकेटरी। आर माधवन द्वारा अभिनीत है और आर माधवन ही इसके निर्देशक हैं। और इस मूवी में हम ये देख रहे हैं कि हमारे भारत का एक एयरोस्पेस इंजीनियर होता है, वो काफ़ी प्रतिभाशाली है, और इतना प्रतिभाशाली है कि उसने, उसका चयन अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय में भी हो जाता है, वहाँ से उसको स्कॉलरशिप मिलती है, और वो मतलब अपने क्षेत्र में एक तरीके से हरफन मौला है, बहुत ही परिश्रमी और प्रतिभाशाली वो वैज्ञानिक है। और उसका एक सपना है कि वो भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में शिखर पर पहुंचाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि भारत फ्रांस या अमेरिका पर अपनी रॉकेट में जो साइंस है उसमें उन पर निर्भर रहे, क्योंकि प्रतिभा हमारे यहाँ भी है। तो इसलिए वो इसरो में आकर नौकरी करते हैं, और इसरो में वो नए नए प्रयोग करते हैं, और देखते हैं कि वो किस तरीके से भारत को रॉकेट साइंस में आगे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन वहीं षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो षड्यंत्रकारी शक्तियाँ हैं वो हमारे ही देश की राजसत्ता और मीडिया से मिलकर जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर नामी, उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, और उन पर जासूसी का आरोप लगा दिया जाता है, उनकी प्रतिभा का हनन होता है, उनका इतना अपमान होता है, उनको जेल हो जाती है। जैसे तैसे वो जेल से तो छूट जाते हैं, लेकिन उन पर जासूसी की बदनामी का कलंक का धब्बा लग जाता है, और वो इस कलंक के साथ जीना नहीं चाहते, और किस तरीके से वो अंत तक संघर्ष करते हैं और अपने इस कलंक को धोते हैं। ये मूवी जो बनाई गई है वो इसी उद्देश्य के साथ बनाई गई है कि जो प्रतिभाशाली जो व्यक्ति होते हैं उनकी प्रतिभाओं पर किस तरीके से सत्ता, धर्म, और जो मीडिया है, और जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं, वो किस तरीके से उनकी प्रतिभाओं का हनन करती है, लेकिन सृजनशीलता रुकने नहीं पाती है, वो कहीं ना कहीं से उभर कर आई जाती है। ऐसे एक दूसरी मूवी मैंने देखी थी, बहुत पहले की बात है, 1990-91 में वो मूवी बनी थी, एक डॉक्टर की मौत। तपन सिन्हा उसके डायरेक्टर थे, और वो भी सच्ची घटनाओं पे आधारित थी। उसमें भी एक डॉक्टर होते हैं, एक वैज्ञानिक होते हैं, जो अब अपनी वास्तविक ज़िंदगी में IVF पे जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त रिसर्च की होती है, और वो उस समय IVF पे अपने रिसर्च में उतने आगे निकल गए होते हैं जितने कि पाश्चात्य देशों ने तो उसमें शुरुआत की होती है, लेकिन वही ईर्ष्या और कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी प्रतिभा का भी बहुत हनन किया जाता है। और उसी पर ये मूवी बनी हुई है। इसमें जो जो डॉक्टर दीपांकर राय हैं, उन्होंने
कुष्ठ रोग पर एक टीका बना लिया है, और चूंकि वो बहुत जूनियर हैं अभी और उनकी चारों तरफ धूम फैल गई है, तो जो सीनियर्स हैं उनको बड़ी ईर्ष्या हो रही है, और उस ईर्ष्या के कारण उनको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और उन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है कि आपने ये शोध क्यों किया, और उनके शोध को उनके लैब तक ही सीमित कर दिया जाता है। तो किस तरीके से वहाँ भी प्रतिभा का हनन होता है इन षड्यंत्रकारी राजसत्ताओं, मीडिया और धर्म की राजनीति में फंसकर। ऐसे ही एक मूवी याद आ रही है मुझे अभी 2014 में, रंग रसिया, जो कि रंजीत देसाई का एक उपन्यास है राजा रवि वर्मा, उस घटना पर आधारित है वो रंग रसिया जो मूवी है। उसमें भी एक कलाकार की जो सृजनशीलता है, जो उसकी प्रतिभा है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं कि किस तरीके से जो धार्मिक सत्ता है वो उनके चित्रों को न्यूड और अश्लील करार देकर और उनकी जो कला है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। ऐसी ही घटना हमको इस हानुष नाटक में देखने को मिलेगी कि किस तरीके से जो एक कलाकार है वो पूरा सृजनशील है और वो कला के प्रति डिवोटेड है, लेकिन उसके कला पर राजसत्ता, धर्म और ये जो सामंतशाही प्रवृत्तियां हैं वो किस तरीके से प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं। तो इसको पढ़ने से पहले यदि आपको मौका मिले तो ये मूवी जरूर देखिए। और हाँ, मुझे एक है ना आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का लिखा हुआ नाटक भी याद आ रहा था, जिसमें कालिदास की सृजनशीलता और संघर्षशीलता पर भी काफ़ी विचार किया गया है। तो ये यदि आप देखेंगे ना तो आपको ये नाटक और अधिक समझ में भी आएगा और बहुत ही इसकी प्रासंगिकता और इसका उद्देश्य आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि भीष्म साहनी एक कथाकार और उपन्यासकार तो थे, लेकिन बाद में वो नाटककार के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध हुए। उन्होंने कहानियाँ और नाटक तो लिखे, उन्होंने 6 नाटक लिखे। उन्होंने 1977 में हानुष नाटक लिखा, हानुष उनका पहला नाटक है। उनका दूसरा नाटक कबीरा खड़ा बाजार में, और माधवी नाटक जो 1984 में लिखा गया, मुआवजे जो 1992 में लिखा गया, और रंग दे बसंती चोला 1998 में लिखा गया, और आलमगीर जो उन्होंने 1999 में लिखा। हानुष भीष्म साहनी का पहला नाटक है और ये जो नाटक है वो कलाकार की सृजनशीलता को केंद्र में रखकर ही लिखा गया है। हानुष नाटक का जो पात्र है हानुष, वो आम आदमी है और आम आदमी की तरह, मतलब वो उसका व्यवसाय है ताला बनाना, वो कुफ्ल साज मतलब ताला बनाने का काम करता है, बहुत ही साधारण व्यक्ति है। और बचपन से ही उसकी एक, लेकिन वो प्रतिभाशाली है ना, और बचपन से ही उसकी एक इच्छा है, एक ख्वाहिश है कि वो मतलब कुछ नया करेगा, कुछ अलग करेगा। तो जब वो एक जगह कहीं घड़ी की बात सुनता है तो उसके मन में आ रहा है कि मैं एक ऐसी घड़ी बनाऊंगा जो बिना रुके हमेशा चलती रहे। और हानुष बहुत ही मतलब आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ही निम्न स्तर का व्यक्ति है, और वो अपनी सारी जीवन की जो विषम परिस्थितियां, उन विषम परिस्थितियों से संघर्ष करता हुआ 17-18 साल लगा देता है और अपनी मेहनत के बल पर वो एक घड़ी बनाने में कामयाब हो जाता है। वो घड़ी चेकोस्लोवाकिया जो देश है उसकी राजधानी प्राग है, प्राग की राजधानी में एक मीनार है, उस मीनार पर लगा दी जाती है। अंत में जब हानुष उस घड़ी को बनाने में सफल हो जाता है, मीनार पे घड़ी लग जाती है, तो बादशाह जो वहाँ के हैं वो उसको देश का गौरव बढ़ाने वाले उस कलाकार हानुष को सम्मानित करते हैं और अपने दरबार में उसको प्रतिनिधित्व दे देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो राजा है वो एक बहुत ही कठोर दंड उसको देता है, एक अजीब सा पुरस्कार उसको मिलता है, और वो ये मिलता है कि उसकी दोनों आँखें निकलवाने का हुक्म दे दिया जाता है, जिससे कि वो कोई वैसी ही कोई दूसरी घड़ी ना बना ले जिससे कि उस राजा का, उस देश का, उस साम्राज्य का वर्चस्व पर प्रश्न चिन्ह लगे या वहाँ सीमित हो जाए। मतलब भीष्म साहनी ने इस नाटक की पृष्ठभूमि के बारे में स्वयं लिखा है कि जब वो चेकोस्लोवाकिया गए, उसकी राजधानी प्राग गए, क्योंकि वहाँ उनके मित्र रहा करते थे निर्मल वर्मा, तो जब वहाँ गए तो निर्मल वर्मा ने जब उनको चेकोस्लोवाकिया प्राग का टूरिज्म करवाया, घुमाया, तो उन्होंने एक मीनार दिखाई, और उस मीनार के बारे में जो विभिन्न कहानियाँ प्रचलित थी उन कहानियों के बारे में उन्होंने भीष्म साहनी को बताया। उन्होंने बताया कि प्राग में आज से लगभग 500 साल पहले की बात है, तब किसी मिस्त्री ने घड़ी बनाई थी और वो घड़ी यहाँ लगा दी गई, नगर पालिका की जो मीनार है वहाँ लगा दी गई है। और इतनी बड़ी सफलता के बाद भी बादशाह ने जब उसकी आँखें निकाल लीं तो किस तरीके से उस कलाकार का जो अंतर्द्वंद है और सृजनशीलता, उसकी संघर्षशीलता, ये सारी कहानी निर्मल वर्मा ने सुनाई। तो भीष्म साहनी कह रहे हैं कि जब ये घटना निर्मल वर्मा ने मुझे सुनाई तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये घटना के बीच रह गए थे और इसने मेरे मन को बहुत ज़्यादा आंदोलित किया था, और समय मिलने पर मैंने इसी कथा वस्तु को आधार मानते हुए और हानुष नामा के लिए जो नाटक है, इस नाटक को की रचना की।
वो कहते हैं कि ये जो नाटक है ये कोई ऐतिहासिक नाटक नहीं है और ना ही इसमें कोई घड़ियों के आविष्कार की कहानी मैंने कही है। कथानक के में जो तथ्य हैं वो भी कोई एक दो तथ्य ही उन्होंने उस वाली घटना से लिए हैं जो मध्यकालीन उसकी प्राग की कहानी है। बाकी वो कह रहे हैं कि सब कुछ मतलब कल्पना के आधार पर मैंने इन इसमें घटनाओं का सृजन किया और ये जो नाटक है वो मानवीय स्थिति को एक युगीन परिप्रेक्ष्य में दिखाने का प्रयास मात्र है कि उस युग में जो कलाकार की परिस्थितियां हैं, कलाकार का संघर्ष है, वो किस तरीके से वो संघर्ष कर रहा है, कैसे वो अपने जो एक कलाकार होता है, जो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो चित्रकार हो, चाहे वो मूर्तिकार हो, चाहे कोई आविष्कार करता हो, लेकिन वो अपनी जो सृजन है, जो उसने अपना जो अपने उसने अपना जो आविष्कार किया है, जो उसका उसने अपनी प्रतिभा से जिस चीज नई चीज़ को खोजा है, वो उसके प्रति किस तरीके से डिवोटेड रहता है, ये सब हमको हानुस नाटक में देखने को मिलेगा। आगे हम इसकी पूरी कहानी भी पढ़ेंगे, लेकिन इसकी कहानी को पढ़ने से पहले आइए मैं जो हानुस के जो पात्र हैं उन पात्रों से आपका परिचय करा दूं, जिससे कि आप इस नाटक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकें। इसमें सबसे जो मुख्य पात्र है, जो नायक है इस नाटक का, उसका नाम है हानुस। हानुस एक कुफलसाज है, कुफल मतलब ताला बनाने वाला एक कारीगर है, मतलब एक लोहार है जो ताले चाबी बनाया करता है, और उसको घड़ी बनाने का शौक पैदा हुआ है तो उसने घड़ी बना ली है, तो अब वो एक घड़ी साज भी है। उसके साथ इसकी जो नायिका है वो उसकी पत्नी है जिसका नाम है कात्या, जो हानुस की पत्नी है। हानुस के एक बेटी है जिसका नाम है यांका, वो बेटा भी हुआ था कभी लेकिन वो बीमारी से मर चुका है। हानुस का एक भाई है जो कि वहाँ चर्च में छोटा पादरी है, एक लोहार है जिसकी सहायता से हानुस अपने घड़ी के विभिन्न प्रकार के जो कलपुर्जे हैं उनको बनाता है। हानुस का एक दोस्त है जिसका नाम है एमिल, और जो एमिल दोस्त है वो वास्तव में एक दोस्त की एक मिसाल है कि किस तरीके से वो हानुस का एक सच्चा मित्र है, हानुस के सुख दुख में वो किस तरीके से भागीदारी निभा रहा है, और हानुस को किस तरीके से इस जो वो अपमान और जो अंतर्द्वंद और जो दुख वो भोग रहा है, जो पीड़ा वो भोग रहा है, एक सच्चे मित्र के नाते जो एमिल है वो बड़ी मतलब हम देखेंगे बाद में कि एमिल किस तरीके से एक बड़ी कहना चाहिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण डिसीजन लेके और वो उसको वहां से निकालना चाहता है। एक इसमें पात्र है जिसका नाम है जैकब, जो जैकब है वो एक युवा लोहार है और हानुस उसको बाद में अपना शिष्य बना लेता है, वो भी काफ़ी प्रतिभाशाली जो लड़का है जैकब। कुछ व्यापारी दस्तकार हैं जिनके नाम है प्रमुख रूप से हुसाक है, जॉन है, जॉर्ज है, शेफचेक है, टाबर है, ये सब नगरपालिका के सदस्य भी हैं, पदाधिकारी हैं और साथ ही व्यापारी हैं, और ये सब लोग काफ़ी अपने अपने स्वार्थों में लिप्त हैं और पूंजीवादी विचारधारा के लोग हैं, केवल पैसा कमाना, अपने स्वार्थ को सिद्ध करना ही इनका उद्देश्य है, और उसके लिए ये हानुस को अपना उसका माध्यम भी बना लेते हैं। कुछ इसमें बीच इसमें आदमियों का जिक्र है, वो जो आदमी हैं वो कभी हानुस से मिलते हैं, कभी अंका से मिलते हैं, इस तरीके से। एक इसमें बादशाह है राजा, वो राजा है जो वहाँ का उस एरिया का राजा है, बादशाह है, और जो हानुस को सजा देता है और उसकी घड़ी का उद्घाटन करता है। इसके साथ ही कुछ सरकारी अधिकारी हैं और कुछ लोग हैं जिनके आपस में चर्चा है। तो इस तरीके से आप पात्र याद रखें कि इस नाटक में कौन कौन से पात्र हैं। इस नाटक को पढ़ने के लिए आपको कुछ शब्द आएंगे, उन शब्दों के अर्थ जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको उन शब्दों के अर्थ नहीं आएंगे तो आप बीच बीच में भाव को ग्रहण करने से रुक जाएंगे, बाधा पड़ जाएगी आपके भाव ग्रहण में। तो मैं पहले शब्दार्थ भी आपको समझा देती हूँ। शब्द है कुफलसाज, कुफलसाज का मतलब ताला बनाने वाला। दानिशमंद, दानिशमंद का मतलब होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट व्यक्ति। पुश्तैनी का मतलब है जो पूर्वजों से मुझे प्राप्त हुआ है, जैसे मुझे मेरे दादा से, दादी से या मेरे माँ बाप से जो चीज़ मुझे प्राप्त हुई है उसको मैं क्या कहूँगी कि ये पुश्तैनी चीज़ है मेरे लिए, है ना। दो जून की रोटी, दो जून की रोटी का मतलब है दो वक्त की रोटी, सुबह शाम, मतलब जो मेरी बेसिक आवश्यकता है क्या है, वो कि मुझे दो टाइम की रोटी मिलती रहे। शोहरत, शोहरत का मतलब है प्रेस्टीज, प्रसिद्धि। हाथ में कर लेना, हाथ में कर लेना का मतलब है अपने पक्ष में कर लेना, कि जैसे मैंने उसको अपने हाथ में कर लिया, यानी कि मैंने अपने शिष्यों को अपने हाथ में कर लिया, अर्थात जो मेरे शिष्य हैं वो मेरे पक्ष में हैं। सियाने, सियाने का मतलब है समझदार व्यक्ति, जो जिनका जिनमें विवेक है। हिसाबदान, हिसाबदान शब्द आया है इसमें गणितज्ञ के लिए, जो गणित के प्रोफेसर हैं उनको हिसाबदान कहा गया है। कूल किनारा,
कूल माने कूल किनारा शब्द, मतलब कूल का मतलब भी किनारा होता है, वह कूल किनारा यहाँ शब्द दोनों को साथ साथ काम में लिया गया है, मतलब अंत तक कोई काम अकूल किनारे तक पहुँचा दो, अर्थात उस काम को अंत तक पहुँचा दो। माली इमदाद, माली मतलब आर्थिक और इमदाद मतलब सहायता। दूसरे जहाँ में पहुँचना, दूसरे जहाँ में पहुँचने का मतलब है मृत्यु हो जाना, देहावसान हो जाना। एक शब्द है लीवर, देखो जो लीवर शब्द है वो क्या है, मतलब एक अंग्रेजी का शब्द है और हम जानते हैं मशीनों में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, मतलब किसी भी भारी वस्तु को उठाने के लिए या उसको उकचाने के लिए नीचे अटकाकर जो कोई छड़ या कोई औजार लगाया जाता है उसको हम लीवर कहते हैं, हिंदी में इसको उत्तोलक कहा जा सकता है। कमानी, कमानी भी आपने देखा होगा ट्रकों में और गाड़ियों में नीचे लगी रहती है, कमानी के मतलब जो धनुष होता है उसके आकार की लचीली और झुकाई गई लोहे की जो कीली सी होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, उसको हम कमानी कहते हैं। चुफ्ती शब्द आया है इसमें, लोहे की पत्ती या स्प्रिंग है उसको चुफ्ती कहा जाता है। पेंडुलम आपने घड़ी में देखा होगा, पेंडुलम जो हिलता रहता है ना, हिंदी में उसको लोलक कहते हैं। खम खाएगा, खम खाएगा मतलब लचकेगा, खम खाएगा मतलब जो लचक जाएगा उसको कहते हैं खम खाना। नसीहत, किसी को सीख देना, ताकीद करना, सिखाना कि ऐसे नहीं ऐसे करो। विषाद का मतलब है सामर्थ्य, जहन का मतलब है मन मेरे हृदय में, मुद्दत का मतलब है अवधि, जो बहुत समय से जो कोई चीज़ चली आ रही है उनके लिए बहुत मुद्दत से ये काम होता है। रसूख का मतलब है प्रभाव, मतलब रसूख मतलब उसका बड़ा रसूख है, उसका बहुत प्रभाव है, सब लोग उसका उसका रौब मानते हैं, उसका समाज में काफ़ी मान सम्मान है। बुत, बुत कहते हैं मूर्ति को। और फिकरा, फिकरा एक वाक्य होता है, लेकिन कैसा वाक्य, जो व्यंग्यात्मक वाक्य होता है ना जिसमें कोई टॉन्ट कसा गया होता है उसको हम कहते हैं फिकरा कस दिया। कलेजा चाहिए, गुर्दा चाहिए, इसका मतलब क्या, हिम्मत चाहिए, करेज होना चाहिए। सब्ज बाग का मतलब होता है काल्पनिक चीज़ें, सब्ज बाग दिखाना मतलब ख्याल करना, ख्याली पुलाव देखना, काल्पनिक अच्छी छवियां देखना। उसूल का मतलब होता है नियम, कानून का अपन कहते हैं ये मेरा उसूल है कि मैं गरीबों की सहायता करता ही हूँ, या मैं जो एक बार बेईमानी कर देता है मैं उस पर विश्वास नहीं करता, ये मेरे जीवन का उसूल है, अर्थात नियम है। दस्तकार का मतलब है जो कलाकार है। मुमकिन, मुमकिन मतलब पॉसिबल, संभव होना किसी चीज़ का, अपन कहते हैं ये चीज़ मुमकिन है, अर्थात ये चीज़ हो सकती है, संभव हो सकती है। सवाब का काम, सवाब का काम का मतलब है बहुत ही कोई पुण्य का काम, जो अच्छा काम किया है उसको अपन कहते हैं ये सवाब का काम है। जैसे किसी की अपन ने सहायता करी, किसी गरीब को अपन ने उसको खाने के लिए रोटी दी, या उसकी मतलब परोपकार के काम, सवाब का मतलब है परोपकार के काम। तौफीक, तौफीक का मतलब होता है शक्ति या सामर्थ्य, मेरे अंदर ये सामर्थ्य है। पनाह का मतलब होता है शरण देना, मतलब कोई व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है लेकिन उसने अपने को पनाह दे दी, मतलब अपने शरण में रख लिया। शागिर्द माने स्टूडेंट, शिष्य। खैरात का अर्थ होता है दान, खैरात, ये मुझे खैरात में थोड़ी मिली, अपन कहते हैं ना दान में थोड़ी मिली है। साजबाज चलाना, साजबाज चलाना ये शब्द भी इसमें जगह जगह काम आया है। साजबाज चलाने का मतलब है षड्यंत्र करते रहना, आपस में मतलब गठजोड़ करते रहना और कुछ इस तरीके के काम करना कि किसको हराना है किसको जिताना है, साजबाज करते रहना। इसमें एक शब्द आया है सनतकार, सनतकार का मतलब है दस्तकार, जो कि कलाकार होते हैं। नुमाइंदे, नुमाइंदे का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। तोहीन, अपन कहते हैं ना तुम उसने मेरी तोहीन कर दी, अर्थात बेइज्जती कर दी। मुआयदा का मतलब होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब समझौता, मुआयदा कर लिया मतलब मैंने किसी से समझौता कर लिया है। नज़र करना, किसी को प्रेजेंट करना, उपहार में देना। मरकज़ भी एक उर्दू शब्द है, मरकज़ का मतलब है सेंटर, सेंट्रलाइज जो एरिया होता है उसको मरकज़ कहते हैं, यानी कि केंद्र। दिशावर, दिशावर बड़ा एक देशज शब्द है, दिशावर का मतलब होता है दूसरा देश, अपने देश से बाहर उसको कहते हैं दिशावर। जैसे मान लो अपन इंडिया में रह रहे हैं और अभी अमेरिका चले जाते हैं, ये अपने लिए दिशावर है। इजादकार, इजाद का मतलब ही क्या होता है, आविष्कार, और इजादकार मतलब जो आविष्कार करता है, अर्थात आविष्कारक। इसरार करना, किसी से रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना। एक शब्द इसमें आया पत्ती बांधना। देखो एक बात और देखना, इन शब्दों के जो अर्थ हैं वो मैं आपको इस नाटक के संदर्भ में बता रही हूँ। यहाँ पत्ती बांधने का मतलब क्या है कि किसी को जैसे रिश्वत वगैरह में हिस्सा बांध देना, जैसे किसी से अपन ने कोई काम निकलवाया और उसके बदले में उससे रिश्वत ली, 2% तेरा, 4% तेरा, 10% तेरा, उसको कहते हैं पत्ती बांधना, मतलब रिश्वत में हिस्सा दे देना। जमात, जमात का मतलब होता है समूह, ग्रुप। और नेस्तो नाबूद मतलब जड़ से नष्ट कर देना, समाप्त कर देना, है ना। आफरीन, आफरीन ये शब्द आपने सुना होगा ना, बहुत ही अपन कहते हैं धन्य हो, बहुत बड़ा काम किया है, शाबाश, वेरी गुड, ब्रावो, ये आफरीन।
चुगे शब्द इसमें आएगा और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, चुगे मतलब चोगा, जो एक लंबा सा गाउन सा पहनते हैं ना उसको कहते हैं चुगे, या लबादा भी बोल सकते हैं इसको। इबादत, ये शब्द तो हम बहुत काम में लेते हैं, इबादत मानी प्रार्थना करना, भगवान की जो प्रार्थना करते हैं उसको अपन कहते हैं इबादत करना। आजीज आ जाना, आजीज मतलब तंग आ जाना, परेशान हो जाना कि मैं तो इससे आजीज आ गया, मतलब तंग आ गया। मुफलिसी, मुफलिसी मतलब गरीबी, बहुत अभावों में जो व्यक्ति जी रहा है उसको अपन कहते हैं कि ये बहुत मुफलिसी में जी रहा है। महसूल का मतलब है टैक्स, कर, सरकार के द्वारा जो कर या टैक्स लगाए जाते हैं उनको हम महसूल बोलते हैं। तो ये मैंने आपको पात्रों से परिचय कराया और इस नाटक के जो शब्दार्थ थे उन शब्दार्थों को मैंने आपको समझाया। अब ये दो चीज़ें यदि आपको समझ में आ गई हैं तो आपको ये जो नाटक है इसकी कहानी भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब मैं आपको इस नाटक का सारांश बताती हूँ कि इस नाटक में आखिर है क्या। देखो मैं आपको बताऊँ, ये जो और इसका जो थोड़ा सा भाव है वो संकेत मैं आपको दे ही चुकी हूँ, और यदि आपने वो मूवीज़ देख ली हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें क्या है। ये जो नाटक है हनुष, ये नाटक टोटल, इस नाटक में 3 अंक हैं और 3 अंक में 6 दृश्य हमारे सामने आते हैं। पहले अंक में एक ही दृश्य है, मतलब पहला अंक है उसमें कोई अलग अलग दृश्य नहीं है, एक ही दृश्य है। और जो दूसरा अंक है उसमें 3 दृश्य देखने को मिलते हैं और जो तीसरा अंक है उसमें हमको 2 दृश्य देखने को मिलते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी, जो मैं आपको सारांश की कहानी जो सुनाऊंगी वो पूरी मैं अंकवार सुनाऊंगी कि पहले अंक में क्या क्या घटनाएं घटी, वो घटनाओं का संकेत मैं आपको देती जाऊंगी। वैसे ये, और जब संकेत मिल जाएगा तो आपको ये नाटक भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जो पहला नाटक का जो पहला अंक है वो हनुष की पत्नी जो कात्या है और हनुष के जो बड़े भाई हैं जो पादरी हैं उनके आपसी संवादों से शुरू हो रहा है। और उस आपसी संवाद से हमको ये मालूम पड़ रहा है कि उस घर में बहुत मुफलिसी है, यानी कि बहुत आर्थिक संकट है, और उस आर्थिक संकट के कारण उनका जो घर का जो वातावरण है वो काफ़ी तनावपूर्ण है। तनावपूर्ण का मतलब यह है कि जो हनुष है वो अपने घड़ी बनाने में बिजी रहता है और वो वैसे तो ताला बनाने वाला है लेकिन आजकल वो ताले भी नहीं बनाता है, तो ताला बना के बेच के जो पैसा कमाया जा सकता है वो पैसा भी नहीं कम रहा है, तो आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है। उस आर्थिक तंगी के कारण जो हनुष की पत्नी कात्या है वो बहुत झुंझलाती रहती है, बहुत गुस्सा करती रहती है और वो कहती है पादरी से कि जो आदमी अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता उसकी इज्जत कौन औरत करेगी, क्योंकि पादरी ने उसको कहा है कि आजकल तुम है ना हनुष की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती हो, बहुत तुम उल्टा सीधा हनुष के लिए बोलती हो। तो कात्या इस तरीके से अपनी बात बताती है और कात्या ने सारी बात बताई है, हमें कात्या गलत भी नहीं लगती है क्योंकि कात्या ने बताया है कि किस तरीके से जो हनुष है उसने ताले बनाना छोड़ दिया है, तो घर में पैसे की बहुत कमी है और जो जिस घर में वो रह रहे हैं वो घर भी पादरी का दिया हुआ है, और चूंकि पैसे नहीं है तो अपने घर को गर्म करने के लिए ना कोई ईंधन खरीद सकती है, घर में खाने पीने की भी बहुत कमी है। और इवन देन वो इतनी दुखी क्यों है, क्योंकि उनका हनुष और कात्या का एक बेटा है, बेटा था, है नहीं, था, और इलाज के अभाव में वो बच्चा मर गया, कि हनुष उसके इलाज पर का ध्यान नहीं दे पाया, ना घर में इतना पैसा था कि उसका इलाज हो पाता। तो वो एक माँ की ममता को अपन समझ सकते हैं और इसलिए वो हनुष से काफ़ी नाराज है। तो इनके दो संवाद हैं, उन संवादों से हमको ये मालूम पड़ रहा है कि घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी है और उस आर्थिक तंगी के कारण जो कात्या है उसको हनुष का जो घड़ी बनाना है वो भी बड़ा नागवार गुजरता है। वो कहता घड़ी बनाने इतने साल हो गए, 13 साल हो गए, अभी तक इसकी घड़ी बनी नहीं है, ना बनेगी, और ये कोई इतना पढ़ा लिखा आदमी थोड़ी है जो घड़ी बना लेगा, ये तो पढ़े लिखे बड़े लोगों का काम है। अरे इसका काम ताला बनाना का है, ये ताला बनाए और घर का खर्चा चलाए, मतलब मैं तो बहुत सिंपल जिंदगी जीना चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई बहुत, मतलब पादरी जब कहता है कि देखना एक दिन उसका बड़ा नाम होगा जब ये घड़ी बना लेगा, बोले मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे तो 2 जून की रोटी चाहिए, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। तो इस तरीके से इन दोनों में इस को लेके काफी बातचीत हो रही है, जिससे कि हमें हनुष के परिवार की जो आर्थिक स्थिति है और हनुष का जो चरित्र है, हनुष का जो व्यक्तित्व वो हमारे सामने आ रहा है, और कात्या का व्यक्तित्व भी हमारे सामने आ रहा है कि कात्या किस तरीके से एक ममतामयी और एक जिम्मेदार औरत है, हनुष किस तरीके से अपने कला के प्रति, अपने घड़ी के बनाने की जो उसकी चाहत है, जो ललक है, उसके प्रति वो इतना दीवाना है कि उसे अपने घर की भी कोई चिंता नहीं है। जब पादरी में और कात्या में इस तरीके की चर्चा हो रही होती है और जब कात्या बहुत गुस्सा कर रही होती है तो
हानुष की जो बेटी है जिसका नाम है यंका, वो यंका कहती है कि माँ तुम क्यों इतना गुस्सा करती हो, अब तो जो पिताजी हैं वो घड़ी बना रहे हैं ना, और जो यूनिवर्सिटी के जो हिसाबदान थे अर्थात जो गणितज्ञ है, क्योंकि जो हानुष है वो घड़ी को बनाने के लिए गणित की आवश्यकता है, और उस गणित की जो नॉलेज है वो वहाँ के जो प्रोफेसर है एक गणितज्ञ उनसे वो उनसे हेल्प लेता रहता है। तो अरे कल जो वो हिसाबदान थे गणितज्ञ थे वो भी पिताजी की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, घड़ी बना रहे हो, तो माँ आप गुस्सा क्यों कर रही हो, पिताजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, घड़ी बना रहे हैं और एक दिन पापा इस काम को करने में सफल भी हो जाएंगे। जब ये सब बात चल रही होती है तो उसी समय ही जो हानुष है वो लोहार के साथ अपने घर में प्रवेश करता है। तो ये सारा दृश्य हानुष के घर का है और लेखक ने पूरा जो वातावरण है वो बता रखा है कि हानुष का जो कमरा है वो कैसे मध्ययुगीन काल का एक कमरा है जिसमें कुछ भी ऐशो आराम की चीज़ें नहीं हैं, वह छोटा सा घर है, सिंपल सा घर है, वहीं पर उसके घड़ी बनाने के कलपुर्जे वगैरह भी सब पड़े हुए हैं। तो हानुष लोहार के साथ आता है और वो अपने ही धुन में होता है, यही बात करता आता है कि अरे ये घड़ी क्यों नहीं बनी और मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इस्पात लचीला होना चाहिए था, लचीला होता तो उसका जो पेंडुलम है वो खम खाता, लचकता और ये घड़ी चलती रहती। इस तरीके से वो लोहार से बातचीत करता हुआ और क्या कहते हैं अपने घर के अंदर प्रवेश करता है और उसको चीज़ समझ में आ जाती है कि मैं क्या कमी कर रहा हूँ। लोहार उसका बिल्कुल साथ दे रहा है और वो लोहार से कहता है कि तुम इस तरीके का कोई तार बना के लाओ, देखो हम उसको लगाते हैं और फिर ये घड़ी चल पड़ेगी। तो लोहार तो चला जाता है उस तार को बनाने के लिए। इधर जो हानुष है वो फिर अब उसका ध्यान आता है कि घर में भाई आए हुए हैं, तो वो अपने भाई से फिर बातचीत होती है। अब जो पादरी है वो अपने भाई से बात कर रहा है और वो अपने भाई को समझा रहा है हानुष को कि तो ये घड़ी बनाने का काम छोड़ दो, देखो यहाँ पर जो पादरी है वो बहुत अच्छे तरीके से जैसे बड़े भाई होते हैं ना, बड़े भाई की पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है। जब हानुष नहीं था तो वो कात्या को समझा रहा था कि हानुष के प्रति तुम अच्छा व्यवहार करो और हानुष की प्रतिभा को समझो, तुम उसको समझा रहा था, लेकिन जब अब हानुष आ गया है तो वो हानुष को समझा रहा है कि नहीं तुम अपने परिवार की तरफ ध्यान दो, परिवार के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो जो पादरी है वो हानुष को समझा रहा है कि भाई देखो तुम है ना इसे घड़ी बड़ी बनाने का काम छोड़ दो, तुम्हारा काम ताले बनाने का है, तुम ताले बनाओ और अपने घर परिवार की जिम्मेदारी को उठाओ, इतनी आर्थिक तंगी हो रही है, तुम्हारा बेटा बीमारी के जो इलाज नहीं हो पाया इसलिए आपका बेटा खत्म हो गया है और घर में कुछ भी सुविधाएं नहीं है, तो तुम इस काम को छोड़ दो। इस तरीके से वो जो पादरी है वो समझाता है और साथ में जहाँ जो पादरी आए हैं ना वो एक उद्देश्य से आए हैं। पादरी को चिंता ये है कि घड़ी बनाने में जो खर्चा हो रहा था अब तक वो जो खर्चा है वो खर्चा चर्च की तरफ से दिया जा रहा था, मतलब उसको अनुदान मिल रहा था, ग्रांट मिल रही थी हानुष को घड़ी बनाने की, लेकिन अब जो चर्च है चर्च के पदाधिकारियों ने ये डिसीजन लिया है कि अब हमको इस तरीके की कोई घड़ी वगैरह नहीं बनवानी है, इसलिए उन्होंने जो आर्थिक सहायता जो इतने दिनों से दे रहे थे वो आर्थिक सहायता बंद करने का डिसीजन ले लिया। एक्चुअल में यहाँ पर यह भी व्यंग्य किया गया है कि ये जो चर्च है जो धार्मिक सत्ता का प्रतीक है वो नए आविष्कारों का विरोधी है, क्योंकि जैसे नए नए आविष्कार होंगे बुद्धि का विकास होगा, तो जो धर्म के कारण जो उन्होंने अपना धंधा चला रखा है, जो लोग मतलब धार्मिक अंधविश्वासों में डूबे हुए हैं और उस धार्मिक अंधविश्वासों के कारण चर्च ने जो अपना बिजनेस चला रखा है, जो अपना व्यवसाय चला रखा है, जो अपनी हुकूमत चला रखी है, वो हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो ये व्यंग्य भी है कि जो चर्च है वो उसने उनको सरकारी सहायता मतलब जो चर्च की तरफ से जो सहायता मिलती थी वो देने से मना कर दिया। तो ये सूचना पादरी वहाँ देने के लिए आया और इसी सूचना से कात्या भी बहुत चिंतित हो जाती है और हानुष भी बहुत चिंतित हो जाता है कि अब हम अपनी घड़ी का जो खर्चा है वो कैसे करेंगे, अभी तो हमारा कम से कम घड़ी का खर्चा तो हमें हेल्प के रूप में मिल जाता था, लेकिन अब हम घड़ी पर भी खर्चा कहाँ से करेंगे, तो घड़ी तो बन ही नहीं पाएगी किसी भी हालत में। इतनी देर में जो मतलब वो दुखी हो जाता है हानुष और वो डिसीजन मतलब अपने भाई से वायदा करता है, ठीक है भाई मैं इस काम को छोड़ दूंगा। इतनी देर में जो लोहार है वो उस छड़वरा को लेकर आता है और जब वो छड़ को लेकर आता है तो हानुष उससे कहता है कि मैं तो अब इस काम को छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं घड़ी बनाऊंगा। तो लोहार कहता है रहने दो, तुमने इससे भी पहले बहुत बार कहा है कि तुम इस काम को छोड़ रहे हो पर तुम घड़ी बनाना छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये तुम्हारा पैशन है, तुम्हारा जुनून है, घड़ी बनाना तुम्हारी ज़िंदगी बन गई है, तुम इसको नहीं छोड़ सकते हो। तो वो बताता कि नहीं इस तरीके से मुझे जो अनुदान देने से मना कर दिया है तो इसका खर्चा कहाँ से आएगा, मैं अब घड़ी नहीं बनाऊंगा। तो लोहार कहता है क्यों परेशान हो रहे हो, तुम और लोगों से बात करके देखो, बहुत सारे और व्यापारी हैं, विदेश के व्यापारी यहाँ पर आते हैं, उनसे बात करो, कोई भी नहीं करेगा तो हम सब जो लोहार हैं, हम जो कलाकार हैं दस्तकार हैं वो चंदा करेंगे, लेकिन तुम घड़ी बनाओ। मतलब यहाँ लोहार का ये जो रोल है वो बहुत ही पॉजिटिव बताया है कि किस तरीके से वो कला की इज्जत कर रहा है और किस तरीके से वो हानुष को प्रोत्साहित कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि नहीं तुम घड़ी बनाओ। और जब कात्या बीच में टोकती है लोहार को तो वो लोहार कहता है कि कात्या अब तुम रहने दो, ये व्यक्ति ना दीन का रहा है ना दुनिया का रहा है, ये अब मतलब ताले नहीं बना सकता है, इसको छोड़ दो,
इसको इसके हल पे छोड़ दो, क्योंकि घड़ी इसके नस नस में समा गई है, तो ये तो घड़ी ही बनाएगा, तो तुम इस तरीके की कोई मतलब इस तरीके की नेगेटिविटी इसके अंदर मत डालो। इतने में क्या होता है कि जो हानुष का दोस्त होता है, जिसका मैंने परिचय दिया एमिल, जो उसका बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब सुख दुख में काम आने वाला दोस्त है, उस एमिल का प्रवेश वहाँ पर होता है। और जब एमिल का प्रवेश होता है तो वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, और इस बातचीत से एमिल है, हानुष है और कात्या है, उनकी बातचीत से ये मालूम पड़ता है जो एमिल है वो किस तरीके से चर्च का विरोध करता है, क्योंकि धार्मिक सत्ता जो अंधविश्वास फैला रही है और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए किस तरीके से वो धर्म का दुरुपयोग कर रही है, इस बात के लिए जो एमिल है वो चर्च का विरोध करता है। तो कात्या उससे कहती है कि तुम लोग इस तरीके से क्यों हमेशा धर्म का विरोध करते रहते हो, तुम्हें चर्च पे भरोसा रखना चाहिए, इस तरीके की बात वहाँ हो रही है। इतने में क्या बाहर से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होता है, और शोर आता तो ये मालूम पड़ता है कि कोई सुअर की चोरी हो गई है, पादरी के यहाँ से सुअर की चोरी हो गई है, और इसलिए जो सरकारी अधिकारी हैं वो उस चोर को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ भी थोड़ा व्यंग किया है कि हैं तो पादरी, बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन कितने सुअर उनके पेट में समा चुके हैं, और अब मान लो किसी गरीब व्यक्ति ने अपने पेट को भरने के लिए एक सुअर को चोरी कर भी लिया, तो मतलब क्या इतना बड़ा उसका दंड देना। इस तरीके से इनमें आपस में बात हो रही है कि इतने में एक युवक होता है, वो दौड़ा हुआ हानुष के घर में प्रवेश करता है। जब वो अंदर प्रवेश करता है तब हमें परिचय मिलता है कि वो जो लड़का है उसका नाम है जैकब, और वो एक लुहार है, और पहले वो अभी यहाँ आया था 2-2.5 साल पहले, तो भूख के कारण उसने कोई सुअर चुरा लिया था, और जिसके कारण उसको सजा हो गई, और अब वो जेल से छूट गया है, लेकिन वो सरकारी अधिकारियों से और राजाओं से बहुत डरा हुआ है। तो जो सरकारी अधिकारियों को देख के उसको बड़ा डर लगा और वो भागने लगा, और भागता भागता वो हानुष के घर में आ गया। जब हानुष को ये मालूम पड़ता है कि ये लुहार है और ये मतलब इसने लुहार का काम किया है, तो कात्या को भी बड़ी तसल्ली होती है, और कात्या फिर फौरन कहती है हानुष को कि तुम इसको अपने काम पे रख लो। तो हानुष कहता है कि मैं इसको काम पे कैसे रख लूँ, घर में तो खाने का कोई सिलसिला नहीं है, अपन ही लोग अपना पेट नहीं भर पाते, तो इसको मैं कहाँ से दूंगा। लेकिन कात्या देखो विरोध कर रही है उसका, हानुष का ताले बनाने का, लेकिन पत्नी है, अंदर से वो उसकी प्रतिभा को समझती है, तो वो कहती है कि नहीं, अब जैकब आ जाएगा तो तुम इसको रख लो, जैकब ताला बना दिया करेगा और मैं ताले बेच आया करूँगी, तुम अपने घड़ी का काम करो, तुम आज़ाद हो, तुम अपने घड़ी का काम करो। तो यहाँ पर देखो ये भी बताया है कि किस तरीके से पत्नी अपने पति के जो काम है उसके प्रति उसको प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन उसने विरोध क्यों किया, भाई परिवार पालना भी तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। तो इस तरीके से जो कात्या है वो हानुष को इस के लिए मना लेती है कि जैकब को वो अपने काम पर रख ले, और ये इसी के साथ जो पहला अंक है वो समाप्त हो जाता है। फिर दूसरा अंक शुरू होता है। अब दूसरा अंक जब शुरू होता है तो हम देख रहे हैं कि दृश्य पूरे नगर पालिका का दृश्य है, और नगर पालिका के मतलब नगर पालिका का एक बड़ा हॉल है, और नगर पालिका के जो अधिकारी हैं जिनमें नाम है हुसाक है, जॉन है, जॉर्ज है, शेफचेक है, टावर है, ये सब लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, और उनके डिस्कशन से हमको ये मालूम पड़ता है कि घड़ी बन चुकी है, हानुष घड़ी बनाने में सफल हो गया है, क्योंकि चर्च ने तो उनको सरकारी सहायता देने से मना कर दिया था, तो उसके बाद उसको जो सहायता दी, आर्थिक सहायता दी, वो दी नगर पालिका ने, क्योंकि नगर पालिका दस्तकार और कलाकारों का संघ है, और हानुष भी एक कलाकार और दस्तकार है, तो नगर पालिका ने हानुष को आर्थिक सहायता दी थी। अब जब घड़ी बन गई है तो नगर पालिका के लोग उस घड़ी पर अपना अधिकार जमा रहे हैं, और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि जो घड़ी बन गई है वो घड़ी कहाँ लगनी चाहिए। अब इनकी बातचीत से हमें ये समझ में आ रहा है कि एक व्यापारी की पूंजीवादी जो सोच होती है किस तरीके से पैसा कमाया जाए, कैसे अपने अधिकार को अपने वर्चस्व को बनाए रखा जाए, इस पर यहाँ पर हमको एक चुटीला व्यंग देखने को मिलता है। सारे अधिकारी आपस में बात कर रहे हैं कि भाई ये जो घड़ी है वो नगर पालिका पर ही लगनी चाहिए, क्योंकि नगर पालिका ने उसको आर्थिक सहायता दी, चर्च पर क्यों लगनी चाहिए। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर जो ये जो व्यावसायिक जो संगठन है और जो धार्मिक सत्ता है उनमें आपस में संघर्ष चल रहा है, क्योंकि जो राजा है ना, राजा अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए उसको सामंतों की सहायता भी चाहिए, उसको व्यापारिक दस्तकारों की सहायता भी चाहिए, क्योंकि व्यापारी होंगे तो ही व्यापार चलेगा, और उसको चर्च जो धार्मिक सत्ता है उसकी भी हेल्प चाहिए। तो जो राजा है, यहाँ पर बड़ा जबरदस्त व्यंग किया है विष्णु सानी है कि राजा है वो शक्ति अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए बैलेंस करता रहता है, वो कभी सामंतों को अपने गले लगा देता है, दस्तकारों को और चर्च को साइड में कर देता है, जब वो लगता है कि सामंतों की सत्ता बहुत बढ़ गई है तो वो धार्मिक सत्ता को गले लगा लेता है, जब उसे लगता है कि धार्मिक सत्ता मेरे सिर पर चढ़ के नाच रही है तो वो
दस्तकारों को अपने गले पे लगा लेता है। इस राजनीति को ये सब लोग समझते हैं। तो यहाँ जो नगर पालिका के लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जो घड़ी है वो चर्च पे नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो चर्च के महत्व को कम करना चाहते हैं, और घड़ी यदि चर्च पे लग गई तो चर्च का महत्व बढ़ जाएगा। दूसरी बात वो बताते हैं कि जो घड़ी है वो नगर पालिका के पे ही लगनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने उसको आर्थिक सहायता दी है। और इसमें इनका निहित स्वार्थ यह है कि जब घड़ी यहाँ लगेगी तो ये जो नगर पालिका का जो एरिया है वो हमारे शहर का केंद्र है, और यहाँ पर जब घड़ी लगेगी तो लोग घड़ियाँ देखने आएंगे, और जब घड़ी को देखने के लिए आएंगे तो फिर यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी, क्योंकि देश विदेश से सब जगह लोग आएंगे, तो फिर हमारा व्यवसाय बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वो चाहते हैं कि नगर पालिका पर घड़ी लगे, लेकिन इन लोगों के मन में यह आशंका है कि पता नहीं जो राजा है वो क्या करेगा, वो पता नहीं घड़ी लगाने का कहाँ हुक्म देगा, क्योंकि सब चीज़ों पर तो राजा का अधिकार होता है, मतलब तो राजा जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। तो राजा को किस तरीके से पटाया जाए कि वो राजी हो जाए कि नगर पालिका के पर ही घड़ी लगे। यहाँ पर ये भी एक बात आती है, भाई घड़ी तो उसकी है ना, हानुष की है, तो हानुष डिसाइड करेगा कि घड़ी कहाँ लगनी चाहिए। वो कहते हैं नहीं नहीं, हाँ घड़ी हानुष की, अब गानुष की नहीं रही है, देश में जो भी चीज़ होती है ना उस पर राजा का अधिकार होता है, तो राजा डिसाइड करेगा। तो ये लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं और ऐसी परिस्थिति बना लेते हैं कि घड़ी नगर पालिका पे ही बने, और ये निश्चय करते हैं कि इस घड़ी का जो उद्घाटन है वो राजा के हाथों से कराया जाए, तो राजा भी खुश हो जाएगा और इस बहाने नगर पालिका आएगा। नगर पालिका में जब वो आएगा तो हम राजा को अपने मांग पत्र दे देंगे कि किस तरीके से दरबार में जो दस्तकार हैं कलाकार हैं उनका प्रतिनिधित्व, उनकी नुमाइंदगी बढ़नी चाहिए, और किस तरीके से हम टैक्स महसूल बढ़ाने की बात करेंगे जिससे हमारी इनकम बढ़ सके। तो इस तरीके से वो जो राजा को आमंत्रित करते हैं उस घड़ी को का उद्घाटन करने के लिए, और ये निश्चय हो जाता है कि घड़ी लगेगी नगर पालिका में लगेगी। ये आप पहला दृश्य है। अब दूसरा दृश्य इसका शुरू होता है, और दूसरे दृश्य में हम देखते हैं हानुष का घर है। हानुष के घर में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यह यांका और जैकब के सीन से ये चीज़ शुरू होती है, और हमको ये महसूस होता है कि यांका और जैकब में काफ़ी मधुर भावनाएँ प्रस्फुटित हो चुकी हैं, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये चीज़ हमको मतलब पहले दृश्य में ही समझ में आ जाती है। और हानुष दूसरी तरफ दरबार में, क्योंकि आज उद्घाटन होने वाला है तो वो वहाँ पर जाने के लिए तैयारी कर रहा होता है कि किस तरीके से, मतलब मुझे क्या पहन, क्योंकि दरबार में जाना है, राजा के सामने जाना है, और वही वो घड़ी साज है, उसने घड़ी बनाई है, कलाकार है, आज उसका मान सम्मान होने वाला है। तो वो तैयार हो रहा था कि क्या पहनूँ, कैसे पहनूँ, और मुझे तो दरबार के कोई तौर तरीके भी नहीं आते हैं, कैसे मैं राजा से बात करूँगा। मतलब एक तरफ तो वो बहुत खुश है कि उसकी घड़ी बनकर तैयार हो गई है, दूसरी तरफ उसको थोड़ी सी इस तरीके की फिक्र हो रही है क्योंकि मेरे को तो राजशाही जो तौर तरीके हैं वो आते नहीं हैं, तो मैं वहाँ किस तरीके से व्यवहार करूँगा, कैसे बोलूँगा, इस तरीके की सारी बात हो रही होती है। और जब हानुष के पास तो इतने अच्छे कपड़े भी नहीं हैं पहनने के लिए, तो हानुष को पहनने के लिए एक चोगा भी जो व्यापारी होते हैं उनसे उधार लिया जाता है, और बाद में देखते हैं तो उसके पास जूते भी ढंग के नहीं हैं, तो फिर वो पादरी के जूते की एक जोड़ी भी कात्या मंगा लेती है, यांका भाग कर उनकी वो एक जूते ले आती है। इस तरीके से मांगे हुए पोशाक से वो अपने आप को तैयार करके और दरबार में जाने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है, मतलब तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से मेरी बातचीत होनी चाहिए। इधर से आसपास के जो लोग निकल रहे हैं वो सारे लोग उसको हानुष को बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुमने बहुत शानदार घड़ी बनाई है भाई, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो सब लोग उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। एमिल भी इस समय आता है, और एमिल भी अपने हानुष के इस आविष्कार से, अपने दोस्त के इस आविष्कार से बहुत खुश है, और वो भी उसको दरबार के तौर तरीके समझाता है कि देखो तुम तो इस तरीके से बात करना। उसी समय जो उसके भाई हैं पादरी वो भी आते हैं, वो भी उसको शुभकामनाएँ देते हैं, और इतने में ही जो नगर पालिका से एक घोड़ा गाड़ी आ जाती है हानुष को लेने के लिए, और यांका बहुत उत्साहित है कि बापू आपके लिए घोड़ा गाड़ी आई है, ऐसे अधिकारी आए हैं, घोड़ा ऐसा है, गाड़ी ऐसी। तो ये सब चीजें उसमें दिखाई गई हैं, और यहां ये जो प्रथम हो जाता है। अब जो है वो दूसरा दृश्य फिर नगर पालिका का बताया गया है। नगर पालिका का क्या है, क्योंकि आज घड़ी नगर पालिका के मीन पर लग रही है और आज राजा आने वाले हैं उस घड़ी का उद्घाटन करने के लिए, तो जो नगर पालिका के व्यापारी हैं वो सारे उस उद्घाटन समारोह की तैयारी कर रहे हैं, और एक
प्लान बना रहे हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा, कौन क्या कहेगा, राजा से किससे बात करनी है, राजा को मांग पत्र कौन देगा, राजा को ये वाली जो चीज़ है वो कौन बताएगा, तुम कहाँ खड़े होगे। इस तरीके से वो पूरी प्लानिंग, अपने फंक्शन की पूरी प्लानिंग कर रहे होते हैं जो व्यापारी होते हैं। टाबर और मैंने बताया ना, जॉन है, जॉर्ज है, शेरचेक है, हुसाक है, ये सारी इस तरीके की तैयारी कर रहे होते हैं। इतने में जब ये सारी तैयारी हो चुकी होती है तो हानुष भी वहाँ पहुँच जाता है। तो हानुष को भी वो समझा देते हैं कि तुम यहीं खड़े रहना और जितना तुमसे पूछा जाए उतना ही तुम जवाब देना। इस तरीके से हानुष को भी समझा देते हैं, हानुष भी हाँ करता रहता है। और उसको एमिल और वो पादरी पहले ही बता चुके हैं कि तुम्हें राजा से कैसे क्या बात करनी है। इतने में महाराज आ जाते हैं और जब महाराज आते हैं तो महाराज आते ही सबसे पहले जो हानुष है उससे बात करते हैं, उसका परिचय लेते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुमने घड़ी क्यों बनाई, तुमने घड़ी कैसे बनाई। तो हानुष तो बहुत सीधा साधा सा व्यक्ति है, उसको जो सिखाई हुई बातें होती हैं वो तो वो भूल जाता है बेचारा, और महाराज को जो असली बात है वो सब बता देता है कि मैंने ये घड़ी बनाई है। और फिर मतलब जब उसको याद आता है कि नहीं राजा साहब को खुश करना है तो बताता है ये घड़ी मैंने आपकी सेवा के लिए ही बनाई है, आपको नज़र करने के लिए बनाई है, आपको भेंट करने के लिए मैंने ये घड़ी बनाई है। तो राजा मतलब उसको शाबाशी देता है कि बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत अच्छी घड़ी बनाई है। अब जो महाराज आ चुके हैं तो महाराज के साथ जो हुसाक हैं, जॉर्ज है, शेरचेक, टावर है, उनकी सबकी आपस में बातचीत होती है, राजा से महाराजा से बात होती है, जो उन्होंने प्लानिंग कर रखी है पहले कि हमें क्या मांग पत्र महाराजा को देना है, हमें किस तरीके से अपनी नुमाइंदगी की बात उनसे करनी है, इस तरीके की। लेकिन जो महाराजा है, यहाँ पे हमें लग जाता है कि जो महाराज है वो नगर पालिका के व्यापारियों से थोड़े नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? क्योंकि नगर पालिका के जो व्यापारी हैं उन्होंने नगर पालिका पे घड़ी बनाने का जो निर्णय है वो बिना महाराज के बताए हुए कर लिया है। इस बात को महाराज समझते हैं, लेकिन महाराज भी बहुत कूटनीतिज्ञ हैं, वो सब समझते हैं, वो डायरेक्ट किसी से दुश्मनी नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनको मन ही मन में इस बात का मतलब गुस्सा है कि नगर पालिका वालों ने मुझसे पूछा नहीं कि घड़ी कहाँ लगेगी, इसका बात का उनका गुस्सा है। तो वो उस गुस्से को बार बार मतलब झुंझलाहट के द्वारा इसको प्रकट भी कर रहे हैं। और उस समय जो हुसाक, टाबर वगैरह वो सब अपने मांग पत्र भी बता देते हैं कि हमें दरबार में ये नुमाइंदगी चाहिए, ये ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, सारी बात हो जाती है। हानुष से भी वो बात करते हैं, और जब हानुष से बात करते हैं तो हानुष से जब वो पूछते हैं कि भाई तुमने घड़ी क्यों बनाई, कैसे बनाई, हानुष सारी बात बताता है। तो वो हानुष को खुश होकर शाबाशी देते हैं और शाबाशी देके और हानुष को सरकारी आदमी बना लेते हैं, मतलब अपने दरबार में उसको रिप्रेजेंटेटिव बना लेते हैं, मतलब दरबार में उसको नियुक्ति दे देते हैं। और उनसे कह देते हैं, टावर से कहो तुम्हारी मांग थी ना कि कलाकारों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, तुम्हारा एक व्यक्ति आ गया है, तुम्हारी मांग को मैंने पूरा कर लिया। साथ ही वो जो हानुष है उसको कुछ सरकार की तरफ से कुछ मोहरें, कुछ आर्थिक जो उसका वजीफा होता है वो वजीफा भी बन जाता है। इस तरीके से जो हानुष है उसको महाराज पुरस्कृत करते हैं। लेकिन यहाँ मैंने आपको बताया ना कि महाराज के मन में कुछ चीज़ चल रही है। एक तो वो नगर पालिका के अधिकारियों से नाराज है इस बात से कि इन्होंने बिना पूछे ही नगर पालिका पर घड़ी लगा ली, मतलब मेरा कोई उसमें लेना देना नहीं था, यह मुझे केवल खुश करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है, उद्घाटन करने के लिए केवल औपचारिकतावश बुलाया गया है। दूसरे उनके मन में ना हानुष के प्रति भी एक यह है कि हानुष ने इतना बड़ा काम कर लिया और मुझे नहीं मालूम पड़ा, मतलब एक अहम बताया राजसत्ता का, एक अहम बताया कि राजसत्ता जो है काम हो जाए तो भी उसको बड़ी प्रॉब्लम है, ना हो जाए तो भी उसको प्रॉब्लम, मतलब हर जगह राजसत्ता अपना ठप्पा लगाना चाहती है। और यहां पे चूंकि राजसत्ता का ठप्पा नहीं लगा, क्यों राजा ये चाहते थे कि घड़ी बनी है मेरे से सहायता लेते तो मैं इस पर अपना अधिकार जमाता, लेकिन हानुष ने मेरे से कोई आर्थिक सहायता नहीं ली, पहले उसने चर्च से ले ली, बाद में नगर पालिका ने उसको सहायता दे दी। तो इस बात से अंदर ही अंदर महाराज थोड़े से नाराज से हैं। अब वो अपनी नाराजगी अपनी झुंझलाहट को कैसे दिखा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि तुमने ये घड़ी जो बनाई है तो ये बहुत अच्छी घड़ी है, तो तुम तो ऐसी घड़ी और भी बना सकते हो। और जो नगर पालिका के व्यापारी हैं वो बातों बातों में ना राजा के सामने ये प्रस्ताव भी रख देते हैं, वो अपने लोग को छुपा नहीं पाते, वो ये प्रस्ताव भी रख देते हैं कि हम इनसे और घड़ियाँ बनाएंगे और विदेशों में बेचेंगे और खूब पैसा कमाएंगे और हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। ये चीज जब राजा सुनता है तो राजा के मन में खटका जाता, कहता कि तुम तो कह रहे थे कि घड़ी तुमने मेरे लिए बनाई है, अब ये घड़ी तुमने मेरे लिए बनाई है, तुम जब दूसरी तीसरी चौथी घड़ी और बनाओगे तो ये तो घड़ियां जगह जगह लग जाएंगी, तो फिर अपने देश का क्या महत्व रहा, हमारे देश में कौन आएगा इस घड़ी को देखने के लिए, जब सब जगह इस तरीके की घड़ियां बन जाएगी तो तुम कोई घड़ी और नहीं बनाओगे। और वो हानुष से पहले पता कर लेता था कि दूसरी घड़ी बनाने में कितना समय लगेगा, वो कहता है ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि पहली घड़ी बनाने में जो मेरे को आविष्कार करने पड़े बार बार प्रयास, वो अपने करने की जरूरत नहीं है, तो हाँ साल दो साल में मैं घड़ी बना लूँगा। तो महाराजा के दिमाग में बस एक फतूल बैठ जाता है और वो हानुष को दूसरी घड़ी बनाने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं कि कोई तुम दूसरी घड़ी नहीं बनाओगे।
और वो उसको एक अजीब तरीके से मतलब दंड देते हैं। पहले वो कहते हैं इसके हाथ काट दो, फिर कहते हैं कि नहीं नहीं हाथ कट जाएंगे तो क्या है, तुम तो आंखों से तो देख सकोगे तो तुम तो दूसरी घड़ी बनवा लोगे, कोई दूसरे हाथों से बनवा लोगे, तो इसके ऐसा करो इसकी आँखें निकाल दी जाए। अब जो महाराजा हैं वो ये हुक्म दे देते हैं कि हाँ उसकी आँखें निकाल दी जाएँ जिससे कि कोई दूसरी घड़ी ना बना पाए। अब ये देखिए नगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो भी कह रहे हैं महाराज इतना अत्याचार मत करिए, ये कलाकार है। और ख़ुद वो जो हानुष है वो बहुत गिड़गिड़ाता है, घुटनों के बल बैठ जाता है, महाराज आप मेरे साथ ये अन्याय मत कीजिए, मैंने तो इतना अच्छा काम किया और मैं घड़ी नहीं बनाऊंगा, आपसे वायदा कर रहा हूँ। लेकिन राजसत्ता का अहम और तानाशाही वो नहीं मानते और उसकी आँखें निकाल दी जाती हैं। इस तरीके से जो तीसरा दृश्य है वो ख़त्म हो जाता है दूसरे अंक का। अब अंक शुरू होता है तीसरा अंक। तीसरा अंक जो शुरू हो रहा है वो ये जो घटना घटी है इसके 2 साल बाद की बात बताइए भीष्म साहनी ने इसमें, कि 2 साल गुजर चुके हैं उस घड़ी को नगर पालिका पे लगे हुए, और बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं घड़ी को देखने के लिए, काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, खूब व्यवसाय बढ़ा है वहाँ पर वहाँ का। लेकिन अब लोगों में वो क्यूरियोसिटी वो जिज्ञासा उस घड़ी के लिए नहीं रही है क्योंकि 2 साल बीत चुके हैं। तो साथ में वो ये देख रहे हैं कि लोगों में तो वो जिज्ञासा नहीं बची है लेकिन जो हानुष है ना उसका अंतर्द्वंद यहाँ बताया है, उसकी निराशा उसकी हताशा उसका दुख यहाँ बताया है कि जो हानुष है वो किस कैसे अंतर्द्वंद में जी रहा है, कितने कष्ट में जी रहा है, क्योंकि उसकी आंखें निकाल ली गई हैं। और वो एक कलाकार व्यक्ति है, अब उसकी आँखें निकाल ली गई हैं तो वो कोई और कला कृति नहीं बना पा रहा है, और एक कलाकार के लिए तो सबसे बड़ा अभिशाप ही यही है कि उसकी कला को कुंठित कर दिया जाए, कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति उसकी प्रतिभा को कुंठित कर दिया जाए, उसकी प्रतिभा का हनन कर दिया जाए, उसे काम करने से रोक दिया जाए, ये उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। और यहाँ पर यही हो रहा है कि हानुष के पास सारे सुख सुविधाएं, खूब पैसा है, मान है, सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन एक कलाकार की जो अंदर की सृजनशीलता है वो सृजनशीलता पर अब क्या लग गया है, विराम चिन्ह लग गया है। इसलिए जो हानुष है वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, और साथ ही हानुष इस वाले बात के लिए परेशान है कि वो एक अंधकार में जीवन जी रहा है। मतलब उसने इतना अच्छा काम किया और उसका ये पुरस्कार उसको मिला कि उसकी आंखें निकाल दी गई, तो बड़े अंतर्द्वंद में जी रहा है। और वो कई बार सोचता है कि ये मैं घड़ी तोड़ दूंगा, कितनी बार वो अपने आप को भी ख़त्म करने की सोचता है। तो उसका ये दुख और कष्ट कात्या भी देख रही है और उसका जो दोस्त है एक एमिल वो भी देख रहा है, और एमिल से उसका वो दुख देखा नहीं जाता। तो एमिल एक प्लान करता है कि किस तरीके से हानुष को इस अंधकार से निकाला जाए। आँखें तो इसकी फूट गई हैं लेकिन कला का प्रकाश तो इसको मिलना चाहिए, इसको इस हताशा से निराशा की ज़िंदगी से कैसे निकालें। तो वो क्या प्लान करता है कि इस राज्य में रह के तो हानुष दूसरी घड़ी नहीं बना सकता है, ऐसा कर सकते हैं कि हानुष को इस राज्य से दूसरी जगह कहीं चुपचाप से भेज दिया जाए, राजा को मालूम भी ना पड़े, और वहाँ जाकर वो घड़ियाँ बनाए तो कम से कम उसको एक जो कहते हैं ना अपन कोई काम कर रहे होते हैं अपन कहते हैं सेटिस्फेक्शन, जैसे मैं काम कर रही हूँ कोई भी, जैसे मैं टीचर हूँ तो एक जॉब सेटिस्फेक्शन होता है कि भाई हाँ मैं काम अच्छा कर रही हूँ, तो बोले इसको एक सेटिस्फेक्शन एक संतुष्टि मिलेगी, कलाकार की जो सृजनशीलता है वो जिंदा रहेगी, तो इसलिए इसको यहाँ से दूसरी जगह भेज दिया जाए। और एमिल उसके लिए पूरी प्लान करके और बात भी कर लेता है, एक बाहर का एक दूल्हा का एक व्यापारी है उनसे बात भी कर लेता है कि वो व्यापारी के साथ बाहर चला जाएगा और वहीं पर उसको आर्थिक सहायता मिलेगी, वहीं उसको सारी सुविधा मिलेगी और वो और घड़ियाँ बनाएगा तो फिर वो अपने दुख को भूल जाएगा। ये वाला प्लान जो एमिल है वो कात्या के सामने रखता है। कात्या ये सुनते ही एकदम भड़क उठती है, वो कहती है कि तुम हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की बात करते हो, ऐसा संभव है कि राजा को नहीं मालूम पड़े, और जैसे राजा को ये प्लान मालूम पड़ेगा राजा तो हमको मरवा देगा, और हम अभी कम से कम अच्छे से खा पी तो रहे हैं, तुम हमारे ज़िंदगी में आग लगाना चाह रहे हो। मतलब वो उसके उस प्रस्ताव को बिल्कुल नकार देती है। तो एमिल उससे कहता है कि कात्या तुम सोच नहीं रही हो, तुम अपना स्वार्थ सोच रही हो, तुम्हें सोच रही है कि तुम्हें आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल गई, अच्छा खाने पीने को मिल रहा है, खूब पैसा आ रहा है, लेकिन तुम कभी हानुष के बारे में सोचती हो कि हानुष कितना दुखी है, कितना अंतर्द्वंद में जी रहा है, कितना वो पीड़ित है, मतलब कैसे अंधकार में भटक रहा है, कैसे निराश होकर वो अपनी जिंदगी को काट रहा है, ना वो जी रहा है ना वो मर रहा है, तो उसके कष्ट को तुम देखो, उसके कष्ट को तो तुम्हें देखना चाहिए ना। इतने में उनको खबर मिलती है कि जो हानुष है वो घायल हो गया है। एक्चुअल में हानुष घायल कैसे हुआ है कि हानुष
मैं बताया ना कि बहुत अंतर्द्वंद में जी रहा है, कभी तो वो चाहता है घड़ी, जो घड़ी मैंने बनाई है उसी को तोड़ दूं, मतलब प्रतिशोध लूं राजा से किसी तरीके से, कभी वो क्या सोचता है मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं। तो ये क्या कर रहा है कि अपनी बेटी यंका और जो जैकब है उसके साथ घूमने गया हुआ है, वॉक करने के लिए गया हुआ है हानुष, और राजा की सवारी आ रही होती है और फटाक से ना हाथ छुड़वा के वो राजा की सवारी के सामने आ जाता है और घोड़ों के बीच पैरों के बीच में आ जाता है, तो ये घायल हो जाता है एकदम, लेकिन हाँ ज़्यादा चोट नहीं लग पाती क्योंकि जैकब और यंका उसको बचा लेते हैं। तो ये समाचार जो घर पे आता तो एमिल कहता है तुमने देखा ये अचानक नहीं हुआ है, ये हनुष ने जानबूझ के किया है, वो अपने आप को मार डालना चाहता है, वो सुसाइड कर लेगा क्योंकि ये कलाकार अपने कला के बिना जिंदा नहीं रह सकता, मृत प्राय हो जाता है, सांसें चलती हैं लेकिन उसकी जान तो कला होती है। देखो तुम कहते इस बात को मान जाओ और किसी भी तरीके से जो हनुष है उसको इस देश से बाहर जाने के लिए तैयार कर लो। हनुष जब लौटता है तो सब जने परेशान हो रहे होते हैं कि हनुष की चोट लग गई है तो उसका थोड़ी मरहम पट्टी की जाती है, और उस समय हनुष का अंतर्द्वंद है वो सामने आता है और वो कहता है कात्या से कि कात्या मैं क्या करूं, जब भी मैं इस घड़ी की आवाज़ को सुनता हूं मेरे मन में कुछ कुछ होने लग जाता है, मैं मतलब बड़े अंतर्द्वंद में जी रहा हूं कि मैं इस घड़ी को, कभी मेरा मन करता है इस घड़ी को तोड़ दूं, कभी मेरा मन करता है, मतलब इस तरीके से बहुत ज़्यादा अंतर्द्वंद में जी रहा है। तो कात्या उसको थोड़ा सा रिलैक्स करके कहती है तुम अंदर जाके थोड़ा सा आराम करो। और इसी समय जो एमिल होता है, जैकब आता है और एमिल जैकब से कहता है कि तुम देश से बाहर जाने की तैयारी करो, तुम इस देश से बाहर जाओ क्योंकि तुम्हारे पास घड़ी बनाने का गुण है, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर उसका प्लान यह है कि पहले वो जैकब को बाहर भेज देगा और फिर वो हानुष और हानुष के परिवार को भी बाहर भेज देगा और वहाँ पर फिर वो जैकब और हानुष मिलकर नई घड़ियाँ बनाएंगे, यानी कि कला का विकास करेंगे। इस तरीके से वो जैकब को समझाता है और वो जैकब को सारा एड्रेस वगैरह देख के दे देता है कि वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हें ये व्यापारी मिलेगा, तुम उसके साथ बाहर चले जाओ। इतने में ही स्टिक सुनाई नहीं देती, घड़ी का जो घंटा बजता वो सुनाई नहीं दे रहा, और जो हानुष है उसके तो 24 घंटे एक ही बात घूमती रहती है, घड़ी घड़ी घड़ी, और जब क्योंकि उसको आंखों से नहीं दिखाई देता पर उसकी तो जान बसती है उस घड़ी में, तो वो तो घड़ी की एक एक पल एक एक टिक एक एक आवाज़ को वो नोटिस करता रहता है। वो देखता बहुत देर हो गई घड़ी नहीं बजी, घड़ी क्यों नहीं बजी, उसको बड़ी चिंता हो जाती है कि घड़ी क्यों नहीं बजी, क्या घड़ी खराब हो गई, क्या हो गया। इस तरीके से वो बेचैन होकर बाहर आता और वो कहता भाई तुमने लोगों ने घड़ी की आवाज़ सुनी क्या, मैंने घड़ी की आवाज़ नहीं सुनी है। तो सारे परिवार वाले समझ जाते हैं कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा घड़ी के प्रति डिवोटेड, मतलब उसका अंतर्द्वंद, उसका दुख और उसका जो शोक है वो सामने आता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो तीसरे अंक का जो पहला दृश्य है वो समाप्त हो जाता है। अब दूसरा दृश्य यह है कि सरकारी अधिकारी घर पर आते हैं, और सरकारी अधिकारी जब घर पर आते हैं और वो हनुष को ले जाते हैं कि घड़ी बंद हो गई है, तुम घड़ी को सही करो, राजा ने कहा है कि घड़ी को सही करो, घड़ी क्यों बंद हो गई है, घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। तो वो हनुष को उस मीनार पे ले जाते हैं जहाँ पर कि घड़ी लगी हुई है और उसको कहते हैं इस घड़ी को सही करो। तो कहता मैं तो अंधा हूँ, मैं घड़ी को कैसे ठीक कर सकता हूँ। यहाँ पर हनुष व्यंग भी करता है कि भाई अब तुमने मुझे अंधा कर दिया, अब घड़ी बंद हो गई तो मैं क्या करूँ, मैं तो अब मेरी आंखें होती तो मैं घड़ी को ठीक कर देता, अब तुमने तो मेरी आंखें निकलवा ली तो मैं तो अब घड़ी को सही नहीं कर सकता। लेकिन अंदर से उसकी इच्छा भी है कि घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, उसको ये भी प्रश्न बार बार साल रहा है कि घड़ी बंद क्यों हो गई, मतलब मैंने जो सृजन किया वो सृजन असफल कैसे हो सकता है, घड़ी क्यों बंद हो गई, क्या कमी रह गई। उसका दिमाग ये भी चल रहा है कि घड़ी बंद क्यों हो गई, क्या कमी रह गई होगी, क्या उसमें और होना चाहिए था। तो उसको थोड़ी ऐसी अपनी असफलता पे थोड़ी सी वो भी रंज भी हो रहा है कि नहीं घड़ी को मुझे जाके देखना चाहिए, और वो हम सब जानते हैं कि वो घड़ी के बिना अपनी कला के बिना रह भी नहीं सकता है। तो उसको मीनार पे ले जाते हैं और वहाँ पर वो जब जाता है तो उस दिमाग में है ना एक प्रतिशोध की भावना रही है, उसे लगता है कि जब मैं घड़ी ठीक करने जा ही रहा हूँ तो मैं हथौड़ा मारूंगा और उस घड़ी को ख़त्म कर दूंगा और इस तरीके से राजा से अपना बदला ले लूँगा। तो हनुष मीनार में जाता है और वहाँ उसको सारी जो हथियार जो उसके पुर्जे वगैरह हैं जो उसके औजार हैं वो सब उपलब्ध करा दिए जाते हैं, और एक आदमी है वो एक आदमी भी उसको हेल्प कर रहा होता है। और बार बार जो अधिकारी कहते हैं वो तो कहते हैं तुम अपने साहेब को बुलाओ ना, अपने जो अपना आपका जो शागिर्द है जैकब उसको बुलाओ, वो कहाँ है, वो घड़ी को ठीक करेगा क्योंकि उसने तुम्हारे साथ मिलकर घड़ी ठीक कराई है। लेकिन जैकब तो वहाँ है नहीं, तो वो बार बार पूछ रहे हैं कि जैकब कहाँ है, जैकब कहाँ है। तो उनको शक हो जाता है राजा को और राजा के दरबारियों को कि इन्होंने जैकब को बाहर भेज दिया। तो इस तरीके से वो हानुष के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे होते हैं। इधर जो हानुष है वो घड़ी को ठीक करने में लगा हुआ है, यद्यपि उसके मन में पहले ये था कि मैं प्रतिशोध ले लूंगा, लेकिन जैसे ही वो घड़ी को हाथ लगाता है उसके अंदर की जो सृजनशीलता है वो एकदम जाग पड़ती है। और वो जो आदमी है उसको उसको सम्मान की बात कर रहा होता है, जो उसके साथ एक आदमी है जिसको औजार वगैरह पकड़ा रहा है, उसकी बात सुनकर और ये क्या कहते हैं इसको
खानुष को लगता है कि नहीं घड़ी तो मेरी कला है, और वो उसके हाथ एकदम मतलब ऊर्जा से भर जाते हैं और वो घड़ी को ठीक करने लगता है कि यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, इसका ये टूट गया है, इसमें ये लगा दो, इसकी ये साफ़ कर दो, और उसको वो घड़ी को बिल्कुल ठीक कर देता है। इतने में जो दरबारी होते हैं वो बार बार आकर पूछते हैं उससे कि भाई जैकब कहाँ हैं, जैकब को तुमने भगा दिया। उनको शक हो जाता है कि ये जैकब को भगा दिया, और जो उनकी जो योजना होती है वो योजना भी राजा को समझ में आ जाती है कि इन लोग ये लोग मतलब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हानुष होता है वो एकदम ठिठक जाता है और आश्वस्त आवाज में कहता है कि महाराज का हुक्म सिर आँखों पे, मैं हाजिर हूँ। घड़ी बन सकती है, घड़ी बंद भी हो सकती है, घड़ी बनाने वाला अंधा भी हो सकता है, मर भी सकता है, लेकिन यह बहुत बड़ी बात नहीं है। जैकब चला गया ताकि घड़ी का भेद जिंदा रह सके, और यही सबसे बड़ी बात है। और हानुष राजी राजी राजा के दरबार में हाजिर होने के लिए वहाँ से चल देता है। वो कहता है मुझे कोई सफाई नहीं देनी है, अब राजा जो करे सो करे, बस मुझे संतुष्टि इस बात की है कि जो मेरी कला है वो कला अब समाप्त नहीं होगी, वो कला और आगे बढ़ेगी, वो सृजनशीलता समाप्त नहीं हुई है, वो मेरे शिष्य के माध्यम से वो कला और आगे बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो हानुष नाटक है उसमें एक कलाकार की सृजनशीलता, उसकी संघर्षशीलता, और साथ में उसकी यह आत्मसंतुष्टि कि उसकी कला हमेशा जिंदा रहेगी, उसकी कला मरेगी नहीं, उसकी कला समाज के लिए काम आएगी, क्योंकि वो कला अब उसकी नहीं रही। इसमें यह बताया गया है कि कलाकार जब तक कोई चीज़ बनाता है या कोई भी व्यक्ति जब किसी नई चीज़ को आविष्कार करता है तो जब तक वो प्रक्रिया करता है तब तक वो उसकी होती है, लेकिन जैसे ही उपलब्धि प्राप्त हो जाती है वो उसकी नहीं रहती, वो पूरे समाज की हो जाती है, पूरा समाज पूरी मानवता का उस पर अपना अधिकार हो जाता है। और कलाकार की यही सबसे बड़ी संतुष्टि है कि जो काम वो कर रहा है, जिस कला का सृजन उसने किया है, वो जो कला है वो सब समाज के काम आए। तो इस तरीके से मैंने आज आपको हानुष नाटक का सारांश बताया, शब्दार्थ बताए, पात्रों से उसका परिचय करवाया, उसकी पृष्ठभूमि बताई। मुझे आशा है कि आपको ये सब चीज़ समझ में आई होगी। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएं, मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो के इंतजार में रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मैं आपको इसके हानुष की नाटक के तत्वों के आधार पर समीक्षा की बातें बताऊँगी, और साथ ही मैं हानुष की जो मूल संवेदना है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो बताऊंगी, और आज के समय में हानुष नाटक की जो प्रासंगिकता है उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगी। तो इंतजार कीजिए।